स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर पोएम टू ए स्काईलार्क व्हिच इज रिटन बाय बीजी शेल। आज की जो ये वीडियो है ये हमारी इस पोएम पे लास्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो के थ्रू हम हमारे पोएम को आज कंप्लीट करें। ओके, सो हमने इस पॉइंट के बारे में अब तक पढ़ा है कि इस पॉइंट में टोटल नंबर ऑफ स्टैंजा कितने हैं, 21 स्टैंजा हैं। और कितनी लाइन्स हैं इस स्टैंजा में, 5 लाइन है इन ईच स्टैंजा, 5 लाइन्स इन ईच स्टैंजा। ये मैंने आपको मेजर पॉइंट में लिखाया था ना, एकदम जब पॉइंट की शुरुआत करवाई थी तब लिखवाया था। इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पॉइंट है वो कंप्लीट की गई थी 1820 में, ठीक है ना, लेट 1820 में, जून के मंथ में इस पॉइंट को कंप्लीट किया गया था। ये जो पॉइंट है उसे ग्लोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोला जाता है। इस पॉइंट के अलावा एक जॉन किट्स की पॉइम है नाइटिंगल, उसे भी ग्लोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिस स्काईलार्क बर्ड है उसकी इसी बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे इतना ज़्यादा खुश विचार पॉइंट बता रहे हैं कि तुम इतनी खुश कैसे रह सकती हो, वो उसे अमेज कर रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं, तुम इतनी ज़्यादा खुश कैसे रह सकती हो, तुम इतनी ज़्यादा कैसे 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 हो सकती हो, जबकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है, वो तो पास्ट में फ्यूचर में खोए रहते हैं, प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। और अलग अलग जैसे कहीं प्रिंसेस से स्काईलार्क को कंपेयर किया गया है, से किया गया है, कहीं पे रोज से कंपेयर किया है, कहीं पे जो गोल्डन बॉम है यानी कि जो जुगनू है उससे स्काईलार्क को कंपेयर किया गया है ना। तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग हमने कंपैरिजन देखे किस तरह से स्काईलार्क को कंपेयर करके उसी सुपीरियर बताया जा रहा है, हर एक थिंग से, हर एक चीज़ से उसे ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ को देखकर खुश है, ठीक है ना, वो हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेती है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता अकॉर्डिंग टू पॉइंट। तो चलिए आज हम इसके जो लास्ट थ्री स्टैंजा है उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। अपना जो टेक्स्ट है वो अपने सामने रख लीजिए। अब मैं जो लास्ट की थ्री स्टैंजा है आज आपको कंप्लीट करवाने जा रही हूँ, उस पॉइंट को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, yet if we could scorn hate and pride and fear, if we were things born not to shed a tear, I know not how thy joy we ever should convey. अब यहाँ पे इस स्टैंजा में पॉइंट क्या बात कर रहे हैं, पॉइंट बोल रहे हैं कि नफरत क्या होती है, प्राइड क्या होता है, भय क्या होता है, ये सब इफ वी कुड स्कॉर्न यानी हम इसे इनसे दूर नहीं कर सकते, हम घृणा करते हैं, हम प्यार भी करते हैं, घृणा भी करते हैं और क्या करते हैं, डरते भी हैं, लेकिन तुम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम में तो मतलब ये चीज़ें हैं ही नहीं, तुम्हें किसी से घृणा नहीं है, तुम्हें किसी का डर नहीं है, तुम किसी तुम्हें किसी पे प्राइड नहीं है, तुम तो अपने में ही खुश हो ना। तो ऐसा ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉइंट। इफ वी वर थिंग्स बॉर्न, अगर हम इन चीज़ों के साथ पैदा होते ना, यानी ये पॉइंट बोल रहा है कि ये चीज़ें अगर हमारे में होती, नॉट टू शेड ए टीयर, तो हमारी आँख में एक आंसू भी नहीं होता, बिल्कुल भी एक टीयर भी नहीं होता। आई नो नॉट हाउ दाई जॉय वी एवर शुड कम हियर, हम जानते हैं कि हम मतलब कितना जो जॉय है हमारे पास उससे हम दूर जा रहे हैं, उससे हम दूर कर रहे हैं, जबकि तुम जो हो उस जॉय को इंजॉय कर रहे हो। ओके, अब चलिए जो आगे का स्टैंजा है उसमें, बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, बेटर देन ऑल डिजर्ट्स दैट इन बुक आर फाउंड, दाई स्किल टू पॉइंट वर द कॉर्नर ऑफ दीना। अब देखिए किस किस से सुपीरियर बता रहे हैं पॉइंट यहाँ पे, बेटर देन ऑल मेजर्स यानी जितने भी मेजर्स है उससे बेटर है, ऑफ डिलाइटफुल साउंड, मेजर्स कौन से, डिलाइटफुल साउंड के जितने भी मेजर्स है, जो भी मीठा मीठा गाते हैं, जो भी अच्छा अच्छा गाते हैं, तुम तो सबसे सुपीरियर हो, तुम तो सबसे अच्छा गाते हो, तुम तो सबसे ज़्यादा मीठा गाती हो, ऐसा पॉइंट बोल रहे हैं स्काईलार्क बर्ड के बारे में। और उसके आगे बोल रहे हैं बेटर देन ऑल टीचर्स दैट इन बुक आर फाउंड, यानी बुक में जितने भी टीचर्स होते हैं, कोई भी एग्जाम्पल्स होते हैं, किसी का जैसे नरेट किया जाता है किसी को, तुम्हें तो नरेट करें तो तुमको उनसे भी ज़्यादा सुपीरियर, यानी इतनी सारी तुम्हें क्वालिटीज़ है, द स्किल टू पॉइंट वर्ड,
पॉइंट में स्किल सीखती है ना, द कॉर्नर ऑफ द ग्राफ, उससे उससे तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो, ठीक है ना। यानी पॉइंट को भी यहाँ पे पीछे बताया है खुद पॉइंट ने, इससे स्काईलार्क बर्ड्स। अब लास्ट का जो स्टैंजा है उसमें देखिए पॉइंट सीखने सिखाने की बात कर रहे हैं कि तुम हमें क्या सिखाओ, टीच मी हाउ टू फ्लाई, तुम भी मुझे थोड़ी सी खुशी जो है ना, तुम इतनी खुश कैसे हो जाते हो, इतनी खुश कैसे रह पाते हो, तुम मुझे भी सिखाओ, दैट दाई ब्रेन मस्ट बी, मेरे भी दिमाग को ये चाहिए, यानी मैं भी ये सीखना चाहता हूँ कि तुम इतनी ज़्यादा खुश कैसे हो पाती हो, इतनी ज़्यादा केयर फ्री कैसे हो पाती हो, तुम मुझे भी सिखाओ, सच हार्मोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स, तुम मुझे ये सिखाओगी ना, तो जैसे तुम मीठी मीठी रहती हो, मीठी मीठी गाती हो, तो फिर मेरे भी लिप्स से वैसे ही मिठास होगी, एक तरह से मैं भी इतना ही मीठा बोल पाऊँगा तुमसे ये सारी चीज़ें सीख के। यही पॉइंट कहना चाह रहे हैं, the world should listen than as I am listening now, तो पूरा संसार सुनेगा जैसे मैं तुम्हें अभी सुन रहा हूँ। तो पॉइंट यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि जैसे तुम गा रही हो, जिस टोन में तुम गा रही हो, जिस तरह तुम कैरफ्री रह पा रही हो, जिस तरह तुम लाइफ को एंजॉय कर पा रही हो स्काईलार्क, उस तरह वो सारे मेथड्स जो है तुम मुझे भी सिखाओ, ताकि मैं भी इतनी मिठास जो है वो अपने लिप्स के द्वारा, अपने लिप्स के थ्रू इस दुनिया तक पहुंचाऊं, और जैसे मैं तुम्हें एंजॉय कर पा रहा हूं, ये पूरी जो दुनिया है वो मेरे लिखे हुए जो राइटिंग्स हैं उनको एंजॉय कर पाए। ओके, सो हियर वी कम टू पॉइंट टू एंड स्काईलार्क व्हिच इज रिटन बाय द फेमस पोएट टी वी शेली। ओके, सो नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद a new point. Till bye bye, take care and thank you.